लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या हार्मोनल असंतुलन होने पर डायबिटीज का जोखिम बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हार्मोनल असंतुलन के कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें पीरियड्स अनियमित होना, इनफर्टिलिटी, एक्ने, थायराइड और मोटापा शामिल है। हार्मोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन मौजूदा जीवन शैली और बढ़ते काम के कारण ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग हार्मोनल असंतुलन से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि हार्मोन ना तो ओवर एक्टिव होने चाहिए ना ही अंडर एक्टिव। जब हमारे ग्लैंड सही तरह से काम नहीं करते हैं तब हार्मोन ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हार्मोनल असंतुलन के कारण डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटीज एक गंभीर समस्या है। डायबिटीज होने पर कई तरह की अन्य समस्याएं होने लगती हैं। डायबिटीज होने पर थकान महसूस करना, नज़र कमजोर होना, घाव का जल्दी ना भरना, बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, कभी कभी हाथ पांव सुन्न हो जाना और अचानक बिना कोशिश किए वजन घटना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज खराब जीवन शैली की वजह से होता है, लेकिन सवाल यह है क्या हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। इस पर कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। डायबिटीज तब होता है जब पैक्रियाज नॉर्मल रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है। इसके अलावा जब शरीर हार्मोन्स पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं पाता है तब डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। दरअसल इस कंडीशन में शरीर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। हार्मोन को बैलेंस कैसे करें? हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें। प्रोटीन अमीनो एसिड प्रदान करता है। ये एक ऐसा तत्व है जिसे शरीर खुद नहीं बना सकता है। ये तत्व पेप्टाइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। इस हार्मोन की मदद से मेटाबॉलिज्म सही रखता है, भूख और स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा शरीर भी सही तरह से काम करता है। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को हमारे ओवरऑल हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अपने वजन को बैलेंस करना भी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि अगर महिलाएं अपने बढ़ते वजन की ध्यान नहीं रखती हैं तो इससे उनमें ओवुलेशन की कमी हो सकती है, जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए शुगर इंटेक कम होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा मिलता है, अंततः हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। स्ट्रेस अपने आप में कई तरह की समस्या का कारण बन सकता है। इसमें मोटापा बढ़ता है और ये डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।